नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का चौथा लेक्चर तैयार कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, दूसरे क्लिप में हम लोगों ने चर्चा की थी प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग और साथ में छह प्रोसेस पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तीसरे क्लिप में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस के बीच के रिलेशंस को समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सारे टर्म काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चले बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग के फंक्शन की चर्चा है, लेकिन मौलिक रूप से हम लोग बहस करेंगे उस फंक्शंस की जिसको डिस्कस किया गया था आईसीआई के अंतर्गत। इसको एब्रिविएटिव सेंस में हम लोग एमएफडी, सीसीजी इस तरह से याद रख सकते हैं, एमएफडी सीसीजी। इससे पहले इसमें एक और टर्म शामिल हुआ करता था एस, बाद में उसकी मौलिकता को जरूरी नहीं माना गया, इसलिए अब अकाउंटिंग फंक्शन के अंतर्गत एमएफडी सीसीजी यानी कुल छह फंक्शंस की चर्चा है। आइए बारी बारी से समझते हैं कि एम फॉर मेजरमेंट, आप सभी बेहतर जानते हैं कि अकाउंटिंग के फंक्शंस में मेजरमेंट काफी महत्वपूर्ण है। मेजरमेंट टर्म की चर्चा हम लोग करेंगे आगे, इस पर बाद में बहस करते हैं। दूसरा है एफ फॉर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग अकाउंटिंग के फंक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इन टर्मों का विशेष महत्व है। तीसरा टर्म है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये तीन टर्म हुए। चौथा टर्म है सी फॉर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन अन्य सभी टर्मों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दृष्टिकोण से यही है। इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। पांचवा टर्म है अकाउंटिंग का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अकाउंटिंग के फंक्शंस में पांचवा फंक्शन हुआ। और छठा जी फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशंस, छठा फंक्शन अकाउंटिंग का हो जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। एंड टैक्सेशन इसी टर्म पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कुल इतनी बातों पर चर्चा करनी है, आइए जरा ढंग से डिस्कस करते हैं इस टर्म को। सबसे पहला टर्म है मेजरमेंट, मापांकन। तो वेरी बिगनिंग में हम लोग जब बहस कर रहे थे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के मीनिंग को, तो वहां डिस्कस किया था कि बिजनेस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले मेजर किया जाता है। मेजर करने का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी या मॉनेटरी सेंस में उसका मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो कंप्लीट मॉनेटरी वैल्यू का हो या पार्शियल मॉनेटरी वैल्यू का हो, उसे एसेस करते हैं और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के अंतर्गत लेते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन के रूप में हो या इवेंट के रूप में हो। लेकिन मेजरमेंट का इतना छोटा सा ही अर्थ नहीं है। मेजरमेंट अपने आप में एक चैप्टर, एक टॉपिक के रूप में है, जिसमें हम लोग कई बातों की चर्चा कर सकते हैं, कई प्रकार के मेजरमेंट के प्रोसेस की बात कर सकते हैं। हम लोग सामान्यतया चार तरह के मेजरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली बात जो कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन वैल्यू मेथड या रियलाइजेशन वैल्यू कंसेप्ट, करंट कॉस्ट मेथड
या करंट कॉस्ट कंसेप्ट और प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये चार मेजरमेंट के मेथड्स हैं। मेजरमेंट करने के लिए हम चारों में से किसी प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं, किया जाता है, लेकिन सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। बुक्स में शो करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने के लिए हम मूल रूप से दो तत्वों को ज्यादा महत्व देते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट को या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को, और रियलाइजेबल वैल्यू मेथड को। इन दोनों को अधिक महत्व दिया जाता है। खैर, वो अलग विषय है और उस पर अलग से चर्चा करेंगे हम लोग। तो मेजरमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन का एक मेजर पार्ट है, हमें मेजरमेंट की बारीकियों से रूबरू होना होगा, समझना होगा। दूसरा टर्म है फॉरकास्टिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अधिक सर्वाइव नहीं कर सकती जिसमें दूरदर्शिता नहीं हो। दूरदर्शिता शब्द का तात्पर्य वर्तमान के फॉरकास्टिंग से लगाया जा सकता है। ये फॉरकास्टिंग है, इसके एक्यूरेट होने का यदि कोई या परफेक्ट होने का चांसेस, परफेक्ट होना तय रहता तो फिर इसका नाम फॉरकास्टिंग होता ही नहीं। लेकिन ये फॉरकास्टिंग है, ये पूर्वानुमान है, ये घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तभी तो इसे पूर्वानुमान कहते हैं हम लोग। लेकिन संभावना है, उसके आधार पर निर्णय करने में, योजना बनाने में, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉरकास्टिंग के महत्व को हम लोग इसी से समझ सकते हैं कि बिना प्रॉपर इसके हम लोग कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकते कंसर्न के संबंध में, और न ही शॉर्ट टर्म प्लान बेहतर बनाया जा सकता है, न लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जा सकता है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। एक अच्छा निर्णय ऑर्गेनाइजेशंस को अपने गोल को, अपने प्लान को अचीव करने में काफी मदद करेगा। निर्णय में थोड़ी सी खोट हुई, थोड़ी सी कमी हुई, पूरी तरह से उसे एसेस नहीं किया गया, उसे असेसमेंट नहीं किया गया, तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चौपट कर सकता है। तो डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अकाउंटिंग डिसीजन मेकर नहीं है, अकाउंटिंग डिसीजन लेता नहीं है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट बिना अकाउंटिंग की हेल्प का डिसीजन ले भी नहीं सकता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग के फंक्शन का एक मेजर पार्ट है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था। क्यों कहा था? कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अकाउंटिंग एक क्रमिक रूप से किया जाता है, और हम बिजनेस के नेचर को स्टडी, ग्रोथ को स्टडी या डिमोलिश को स्टडी करने के लिए वित्तीय वर्षों के आंकड़ों में तुलना करते हैं। तो बिना कंपैरिजन किए हुए, चाहे वो लगातार दो वर्षों में कंपैरिजन हो, या एनालिसिस के अंतर्गत हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था, ये कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है ये कि हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या है? यही है कि कुछ लगातार वर्षों के आंकड़ों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, और ये तुलनात्मक अध्ययन ही हमको प्लानिंग, फॉरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो कंपैरिजन अकाउंटिंग के फंक्शंस का एक मेजर फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी फंक्शन पर निर्भर करता है फॉरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग, साथ में इवैल्यूएशन। तो जो चेंजेज हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो चाहे निगेटिव चेंज हो, उसके इंटेंसिटी को वैल्यू करना, उसका वैल्यूएशन करना, उसके हिसाब से प्लानिंग में चेंज करना या डिसीजन में चेंज करना, ये नेसेसरी हो जाता है। इसलिए इस टर्म को हम लोग कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग के फंक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। और हमने बताया था कि सातवां भी पहले आईसीआई के द्वारा ड्राफ्टेड था फंक्शन, स्टीवर्डशिप कहते थे उसको, लेकिन बाद में समझा गया कि स्टीवर्डशिप के अंतर्गत जो डिस्कस किया जाता है वो सारी बातें तो कंट्रोलिंग में शामिल ही हो जाती है। तो अकाउंटिंग एक ऐसा गार्ड है आपके बिजनेस का, जो अकाउंटेंट को आप पे करते हैं वो अलग है, लेकिन अकाउंटिंग अपने आप में एक ऐसी मेथोलॉजी है जो बिना रेमुनरेशन का गार्ड है, और ये एवरीवेयर है, आपके कंसर्न के हर एक जगह पर है, यह आपको हर एक जगह संरक्षित करता है, आपके बिजनेस को सुरक्षित रखता है। तो कंट्रोलिंग अकाउंटिंग के काफी अहम फंक्शंस में से एक फंक्शन है। और उसके बाद अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबल अपने ऑनर के प्रति है, लेकिन
अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रति भी है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो किया कि नहीं, टैक्सेशन प्रोसीजर्स को एक्यूरेट टैक्सेशन प्रोसीजर्स का एक्यूरेट फॉलोअप हुआ या नहीं, यह अकाउंटिंग से पता चल जाएगा। और इस प्रकार ये राष्ट्र के प्रति भी, गवर्नमेंट के प्रति भी अकाउंटिंग का रोल है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। मौलिक रूप से ये 6 प्रोसेस हैं अकाउंटिंग के, जो आईसीआई डिलीवर करती है। बाकी सारी बातें या मान ली जाती है कि इसी 6 प्रोसेस के अंतर्गत समाहित है और है भी। इसके बाद आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग के सब फील्ड्स क्या हैं। कई विद्वानों की अलग अलग राय है, कई विचारक अलग बातें लिखते हैं, कई ऑथर्स अलग अलग टर्म लिखते हैं, लेकिन मौलिक रूप से द आईसीआई ने अकाउंटिंग के सब फील्ड्स को 5 भागों में बांटा है, जिसका वेरी बिगनिंग में हम केवल चर्चा किया था छोटा सा। आइए देखें हम लोग अब सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें। लेखांकन के उपक्षेत्र, अर्थात हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कहां कहां और किस रूप में उपयोगी है, इस दृष्टिकोण से भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन। अकाउंटिंग का यह रूप प्राचीन है, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। दूसरा अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा टर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आधुनिक युग में इसकी महत्ता को जितना चर्चा किया जाए उतना महत्वपूर्ण है, उतना कम है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे ये मैथमेटिकल अप्रोच से पूर्ण है ये तीनों अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, लेकिन इसके बाद बात करते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो काफी प्रचलित हो रहा है आज के दौर में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मैं चाहता हूं कि मैंने मेरे अध्ययन के क्रम में यह कम ही मिला है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि इसमें एक टर्म को और शामिल कर लिया जाना चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग, तो इसकी पूर्णता और बढ़ जाती है। डेवलपमेंट अकाउंटिंग, इससे यह और अधिक पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए। और पांचवे टर्म के रूप में हम लोग चर्चा करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। हम लोग मौलिक रूप से इन्हीं 5 अकाउंटिंग के सब फील्ड्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इसके रिगार्डिंग हम कंपैक्ट करें, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन देकर अपना खाना पूरी कर लें। मैं चाहता हूं कि विस्तार से इस पर बात करें। हम लोग अगले क्लिप में इस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।